हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2021। और आपके लिए क्या है खास, ये है मेरा न्यू ईयर स्पेशल जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके सन साइन के लिए क्या है। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस। आपके लिए क्या क्या है, एक्वेरियंस सन साइन आपके लिए 2021 कैसे होने वाला है, एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न, फाइनेंसिस इज कंसर्न, करियर इज कंसर्न, फैमिली लाइफ इज कंसर्न और हेल्थ इज कंसर्न, ये सब मैं आपको बताऊंगी अलॉन्ग विद एन एंजल मैसेज जो आपके लिए है। एंड दैट कुड बी योर मोटो फॉर द ईयर और दैट कुड बी योर इंस्पिरेशनल मैसेज फॉर द ईयर। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ एंड सी व्हाट्स इन स्टोर। ओके, सो आपके लिए पहला कार्ड आता है इल्यूजन का, जो इंडिकेट करता है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू ब्रेक अवे फ्रॉम एनी इल्यूजन। और किस चीज़ में अगर आप किसी सिचुएशन में रियलिटी नहीं फेस कर पा रहे हैं एज फार एज योर लव लाइफ इज़ कंसर्न, देन एक्वेरियस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी दैट यू ब्रेक आउट ऑफ दैट इल्यूजन, यू ब्रेक आउट ऑफ दैट, जैसे कहते हैं आपका इमेजिनेशन हो सकता है या आपका हेलुसिनेशन हो सकता है या फिर आपका कोई भ्रम हो सकता है। सो इट इज़ टाइम फॉर यू टू फेस रियलिटी। सो 2021 ऑन द लव फ्रंट विल डेफिनेटली गिव यू अ बिग रियलिटी चेक, यही कहता है इल्यूजन का कार्ड। वैसे थ्री ऑफ एरोज का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है कि कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ चीज़ों में आपका दिल दुख सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको बिट्रे कर रहा है या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है या फिर यू मे इवन हैव अ ब्रोकन रिलेशनशिप, अ ब्रोकन कोर्टशिप, अ ब्रोकन मैरिज और एनीथिंग। तो इसलिए आपको 2021 में थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है, यही कहता है थ्री ऑफ एरोज। एंड किंग ऑफ स्टार्स का कार्ड भी आया है। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ किंग ऑफ स्टार्स यही इंडिकेट करता है कि जो पुरुष है आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हैं, मैच्योर्ड होने वाले हैं, यू आर गोइंग टू स्टे वेरी फोकस्ड एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी कमिटेड टू व्हाटएवर यू डू ऑन द लव फ्रंट। तो अगर आप किसी को अप्रोच करेंगे लव लाइफ वाइज आप डेफिनेटली उनके साथ कमिटेड होने वाले हैं। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। वैसे ऑन द लव फ्रंट अगर हम लोग बात करें तो फॉर दोज हु आर सिंगल ये साल बहुत ही अच्छा है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू विल हैव सम गुड रिलेशनशिप, सम गुड फ्रेंडशिप्स या फिर हो सकता है कि आप एक नए दोस्त भी बना ले जो आपके लिए आगे जाके फायदा होने वाला है। इन द सेंस योर फ्रेंडशिप मे टर्न इन टू लव लेटर, लेकिन वो ऑप्शन आप थोड़ा सा खुला रखेंगे या यू विल टेक योर टाइम टू डिसाइड अबाउट दैट ऑप्शन। फॉर दोज ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ मैरिज या ऑलरेडी सोच चुके हैं या बहुत जल्द शादी करने वाले हैं या 2021 में आपने ऐसा थॉट किया या डिसीजन लिया है तो देर इज मैरिज इन द कार्ड्स फॉर यू, दैट्स अ गुड न्यूज़। थ्री ऑफ कप्स यही इंडिकेट करता है इट्स टाइम फॉर यू टू बी celebrating some good times and having some good moments and something to look forward to. Lekin temptation ka card bhi aaya hai. So for those of you in committed relationships, aapko temptation puri tarah se avoid karna hai aur aap apne partner ke saath honest rahiye, committed rahiye and stay focused on your path in relationship. Yahi kehta hai aapka love reading. Ab aaiye baat karte hain aapke dusre aspects ke bare mein. Let's see what's in store for you as far as your other aspects are concerned. ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके करियर के बारे में। सो यू हैव टू लेट द पास्ट गो एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। अगर आपको सक्सेस नहीं मिला है या फिर किसी ने आपको चीट किया है, आपको धोखा मिला है या यू अपसेट अबाउट समथिंग, इट इज़ डेफिनेटली द टाइम टू लेट दैट कम्प्लीटली गो, यही कहता है फोर ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज अगर आप लेट गो नहीं कर पाएंगे तो आपको आगे जाके भी सक्सेस नहीं मिलेगा और आपको आगे जाके कोई सफलता नहीं मिलने वाली है ऑन द करियर फ्रंट, यही कहता है फोर ऑफ पेंटिकल्स। वैसे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देर विल बी सम ऑप्शंस एज फार एज योर करियर इज कंसर्न फॉर दोज ऑफ यू हु कैन नॉट डिसाइड आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपके पास 2021 में काफ़ी ऑप्शंस होंगे एंड यू विल बी एबल टू टेक अ कॉल, लेकिन आपको दो तीन महीने लगेंगे इनिशियली टू डिसाइड आपको क्या करना है और आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है या फिर आपके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी वर्किंग और ऑलरेडी हैव योर ओन बिजनेस, मैं आपको बताना चाहती हूँ आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ पार्टनरशिप कर सकते हैं,
आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए काफी फेवरेबल होगा एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अब आइए बात करते हैं अबाउट योर फाइनेंसेस। तो आपके लिए आता है जजमेंट का कार्ड। सो रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि यू हैव टू यूज योर जजमेंट एक्यूरेटली। यू हैव टू मेक श्योर दैट आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे फाइनेंशियली विच यू हैव नॉट थॉट अबाउट। अगर आप श्योर है तो ही आप कोई बड़ा डिसीजन ले फाइनेंशियली, बी इट अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, या किसी को लोन देना, या कुछ ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है 2021 में। लेकिन आप जो कुछ भी करेंगे अपने सही बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आप यही कहता है जजमेंट का कार्ड। युवा पीढ़ी, आई सी यू बीइंग वेरी मच अ गो गेटर एंड अचीवर एज फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट्स यू गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड फाइनेंसेस कमिंग योर वे। हार्ड वर्क का नतीजा है गुड मनी कमिंग योर वे, और आप इंडिविजुअली अपना पैसा बना लेंगे। एंड किंग ऑफ कप्स, वेल जो पुरुष है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न, यू आर गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, लविंग, केयरिंग एंड सेंसिटिव। बट हो सकता है कि आप ये सेंसिटिव थोड़े से ज़्यादा हो जाए एज फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न। तो क्या होगा कि आपको छोटी छोटी बात भी लगने लगेगी, या यू माइट हैव अ लिटिल बिट ऑफ ईगो रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। तो आपके हेल्थ के लिए आता है टू ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि देर विल बी हार्मनी इन योर हेल्थ एंड देर विल बी अ गुड टाइम ऑन द मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। लेकिन जब आपके इमोशंस अच्छे रहेंगे तो आपका फिजिकल हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि अंदर से आपको ज़्यादा खुश होना चाहिए एंड स्टे मोर हैप्पी एंड स्टे मोर कंटेंट, तो आपका फिजिकल हेल्थ बेटर होगा। एंड वैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, जो इंडिकेट करता है कि पुरुष के लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर हेल्थ फैक्टर। आपको अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। इफ़ यू आर हैविंग सम हेल्थ इशू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच एंड अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच अप टूवर्ड्स इट, क्योंकि आप अपने हेल्थ को काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं। तो इट्स टाइम फॉर यू इन 2021 टू पे अटेंशन टू योर हेल्थ। एंड क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। वैसे जो औरतें हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू विल बी वेरी बैलेंस्ड अबाउट योर हेल्थ एंड यू विल ट्राई एंड लुक आफ्टर योर हेल्थ मोर। तो ओवरऑल फॉर वुमेन हेल्थ वाइज 2021 इज़ अ बेटर ईयर, और मुझे लगता है कि आप कोई फिटनेस या फिर कोई डाइट, न्यूट्रिशन या फिर कोई एक्सरसाइज रूटीन, ऐसा कुछ आप डेफिनेटली करने वाले अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए और अपने आप को ज़्यादा फिट रखने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल टॉपिक विच इज़ अबाउट योर फैमिली लाइफ। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स यही इंडिकेट करता है कि आप अपने फैमिली लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स यही इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में इस वक्त प्रैक्टिकलिटी मिसिंग है एज फार एज योर फैमिली लाइफ इज़ कंसर्न। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स यही इंडिकेट करता है कि यू हैव बीन वेरी इमोशनल इन द पास्ट एंड उस चीज़ से शायद आपको कोई नुकसान हुआ है। बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू बी मोर प्रैक्टिकल। एंड टू ऑफ वॉन्ट्स, बट फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स यू कैन हैव अ लॉट ऑफ गुड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि काफ़ी रिलेशनशिप्स आपका अच्छा चलेगा, आपका पॉजिटिव होगा एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू सम पॉजिटिविटी एंड समथिंग इन दैट रिलेशनशिप। चाहे वो आपका रिलेशनशिप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, या फिर कुछ ऐसे मेम्बर्स के साथ हो हु आर लाइक योर फैमिली। सो टू ऑफ वॉन्स यही इंडिकेट करता है। एंड एट ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, अगर पास्ट में कोई अनबन हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, देन अक्वेरियंस आई सी यू रिजॉल्विंग दैट मैटर इन 2021 एंड आई सी यू स्टार्टिंग अ न्यू लीफ ऑन अ फ्रेश नोट कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली द ईयर ऑफ फॉरगिवनेस, इट इज़ द ईयर ऑफ लेटिंग गो एंड इट इज़ द ईयर ऑफ लेटिंग बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तो ये है आपका फुल ईयर ओवरऑल एंड मैं आपका मेन टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ। बट आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज। Within the next few weeks of the beginning of the year, आपको ऐसा लगेगा कि things are moving and things are going to get better for you. लेकिन it will take a few weeks and आपको थोड़ा सा initially patience रखना है and then things will be much better for you after that. वैसे I think your year is quite bright and happy and you should definitely keep a positive attitude towards things. Here's wishing you a wonderful 2021.